तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज क्या रहा और क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। इसके बाद आपको राशिफल बताएंगे और लेवल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज के लिए मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था कि फर्स्ट अप रहेगा मार्केट और 1:15 बजे से आप लोग देख लेना नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन में बोलूं तो कल भी सुबह मार्केट को अप होना चाहिए और फिर 1:15 बजे पे ध्यान रखना कल। ठीक है, हो सकता है कि नेगेटिव हो वहाँ से, या थोड़ा पहले 1:15 बजे से भी हो सकता है। मतलब जो मॉर्निंग में है ना, 10-11 बजे तक थोड़ा सा मार्केट ठीक रह सकता है, या गैप डाउन भी खुल गया ना मार्केट नीचे तो ऊपर आएगा 10:30-11 बजे तक ऊपर, और फिर हो सकता है वहाँ से देखना कोई रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर। ठीक है, तो जो एक अच्छा मार्केट दिखता है वो दिखता है आपका करीब करीब 10-15 मिनट, 9:30 बजे से लेके और 10:45-11 बजे तक। उसके बाद मार्केट नेगेटिव दिखता है। तो आपको छोटे से सार में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल का भी बता आपको पता लग गया। इसके बाद लेवल्स। लेवल्स ऐसा है कि डाटा ना उतने बढ़िया नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा अपसाइड को मूव नहीं दिख रहा है मार्केट में। पर फिर भी मैंने संडे को ही अपने ग्रुप में जो इसमें बताया था, या शायद फ्राइडे को हम बाइंग में थे बैंक निफ्टी में, और जो हमारा टारगेट था वो आज आ गया था। सेम दिया था मैं 49050, 49,050 का फ्यूचर में, और वो आते ही वहाँ से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9:30 से मार्केट में तेजी नहीं होती ना कैसे करके, मानो आपको लगता है यार नहीं 5 मिनट ही कैंडल नीचे बन रही है, फिर मार्केट में उतनी आशा मत करना कि ऊपर जाए। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। हाँ, लेवल की मैं बात कर रहा, तो लेवल जो है वो ही रेजिस्टेंस है। अभी कैश में भी देखें तो भी 49,50 बनता है अभी, तो जहाँ बंद हुआ है वहाँ से अभी 200-300 पॉइंट ऊपर के, और नीचे 300 के आसपास सपोर्ट आता है 48,300 के करीब। एक बार देखना, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम थोड़े से और नीचे जाएंगे, जो करीब करीब 47,900 के आसपास तक जाए। वो क्या है कि जो एक ट्रेंड लाइन थी ना, जो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ काटी है, वो वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका रीटेस्ट ले सकते हैं। तो वो मेरे को नहीं दिख रहा कि वहाँ हम आएंगे। लग तो यही रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, पर फिर भी मार्केट है क्या पता लगता है। तो आप लोग एक साइड पे ही ध्यान फोकस मत करना, इसलिए मैंने ये इसके लेवल बता दिए। बैंक निफ्टी 600 के नीचे जो आज का लो है फिर वीक हो जाएगा। फिर वही जहाँ पे चल रहा था बहुत दिन से कि मैं इसको क्रॉस कर रहा, कौन सा लेवल था, 22,540, 530 भी था वही, तो फिर कहीं ना कहीं वो हम रिटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो उतना बड़ा नहीं, 50-60 पॉइंट जाता है आपको मिल जाएगा। पर ओवरऑल देखो, मैं जो संडे वाला वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था जब मंदी होगी मैं आपको 2-4 दिन पहले आगाह कर दूंगा कि यहाँ से आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी संडे वाले वीडियो में। मैं बाकी आपको जो बोल रहे हैं, मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ, आज से नहीं 2-3 महीना हो गए, कोई 5,000 बोलता है, पता नहीं कितने 1,000 गिराते हैं मार्केट। मार्केट देखो, उस दिन भी बोला लो लगेगा 700 से, हम 800 पहुंच गए, 1,100 पॉइंट। दुनिया भी अभी कुछ स्क्रीनशॉट 2-4 आने लगे हैं फुट वाले। ठीक है, तो हो सकता है क्या हम लोग मतलब ऊपर की तरफ अभी थोड़ा लिमिटेड जाए, पर अभी ऊपर की तरफ बाकी बचा हुआ है मार्केट में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया दोनों का, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी तकरीबन पता लग गए, मैंने उसको फाइनलाइज कर दिया। ठीक है,
तो आपको ये मार्केट में बहुत सारे मैसेज डालते हैं, अभी मेरे पास ये पुट है वो पुट है, भाई वो पुट आप लोग अपना रख के बैठे रहो, अभी जब मार्केट नीचे आएगा हम लोग बुक कर लेना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं राशिफल। राशिफल सभी अच्छे हैं, एक कर्क राशि कमजोर है केवल। मेष राशि 4, वृषभ और मिथुन के 3-3 पॉइंट बनते हैं, और कर्क का मैंने बता दिया एक है, सिंह राशि के 3.5 है, कन्या राशि के 4, ये आउट ऑफ 5 हैं, 5 में से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी के 3 है तो 60% है, मतलब उसका दिन बढ़िया है 2.5 के ऊपर। और तुला राशि में 3 पॉइंट है, वृश्चिक के 4, धनु के 3.5 और मकर राशि के 3, तुला के 3.5 और मीन राशि के 4 पॉइंट। तो ये हो गए आपके, ठीक है। कुछ आदमी तो चलो वो छोड़ो, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, और जिन्होंने ईयरली वाला ग्रुप ज्वाइन किया है उनके तो आनंद ही आनंद हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको अपनी डायरेक्शन तो पता है, रास्ता तो पता है कम से कम कहाँ जाना है। अब वो डर से ट्रेड ना कर रहे हों, वो परमात्मा जाने है कि नहीं। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।